हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुखवीर यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जैन स्किल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं फ़िल्टर सर्किट के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, फ़िल्टर सर्किट होता क्या है, कैसे काम करता है और अपने को इसको क्या ज़रूरत होती है। तो फ़िल्टर सर्किट बेसिकली क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, फ़िल्टर से नॉर्मली मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को प्योर करना। कोई भी इम्प्योर चीज़ है उसको शुद्ध करने के लिए, उसको प्योर करने के लिए फ़िल्टर की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर भी क्या होता है कि कोई भी वेव अपने पास प्योर ना आ रही हो तो उसको प्योर बनाने के लिए फ़िल्टर की आवश्यकता होती है। अब फ़िल्टर सर्किट कितने टाइप का होता है, फ़िल्टर सर्किट चार टाइप का होता है। तो आपके सामने मैंने यहाँ पे दो टाइप जो है वो बनाए हुए हैं। पहला टाइप क्या होता है कि ये क्या होता है कि इसको बोलते हैं अपने एल फिल्टर। एल फिल्टर का मतलब होता है कि अपने पास यहाँ पर क्या होता है, एक इंडक्टर होता है जो अपने सर्किट में यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब अपने एसी इनपुट देते हैं फुल वेव रेक्टिफायर को, तो फुल वेव रेक्टिफायर से जो अपने को आउटपुट प्राप्त होता है, जो अपने को आउटपुट मिलता है वो क्या होता है कि अपने पास प्योर नहीं होता है, पल्सेटिंग डीसी में मिलता है। तो उस पल्सेटिंग डीसी को अपने प्योर करने के लिए फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। उस फिल्टर सर्किट में अगर हम ओनली क्या करते हैं कि सिर्फ एल यूज़ करते हैं, सिर्फ इंडक्टर यूज़ करते हैं, तो उस इंडक्टर के कारण क्या होता है कि जो अशुद्ध डीसी है अपने पास, दो पल्सेटिंग डीसी है, उस डीसी में से क्या होता है कि जो इंडक्टर होता है वो एसी के कंपोनेंट या फिर जिनको अपने रिपल्स बोलते हैं उनको क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है, और जो डीसी कंपोनेंट होते हैं उनको क्या करता है, पास कर देता है। जिसके कारण क्या होता है कि जो अपना लोड रेजिस्टेंस है, जो अपने लोड यूज़ कर रहे हैं उस लोड पर क्या है, अपने को शुद्ध डीसी प्राप्त होती है। और उसी प्रकार क्या है कि जो अपने पास सी फिल्टर होता है, इस सी फिल्टर का मतलब है कि इसमें अपने एक कैपेसिटर यूज़ करते हैं। इस कैपेसिटर का यूज़ कहाँ होता है कि जब हम एसी इनपुट दे दें फुल वेव रेक्टिफायर को, तो उससे जो प्राप्त होती है आउटपुट वो प्योर डीसी नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि कुछ एसी के कंपोनेंट होते हैं जिसको अपने रिपल्स बोलते हैं। उस रिपल्स को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए अपने क्या करते हैं, एक कैपेसिटर फिल्टर का यूज़ करते हैं। उस फिल्टर के द्वारा जो रिपल्स होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे अपने कैपेसिटर फिल्टर को यूज़ करते हैं, तो दोनों में स्टूडेंट्स फ़र्क ये होता है कि जो एल फिल्टर होता है वो हमेशा सीरीज में यूज होता है, और जो अपना कैपेसिटर फिल्टर होता है वो पैरेलल में यूज होता है लोड के। जब इसको लोड के साथ पैरेलल में यूज़ किया जाता है तो इसमें क्या होता है कि जो इम्प्योर डीसी है, जो पल्सेटिंग डीसी है, उसमें जो एसी के कंपोनेंट हैं उनको क्या, उन कंपोनेंट को ये जो कैपेसिटर होता है ये बाईपास कर देता है, यहाँ से वापस भेज देता है। लेकिन उसी टाइम क्या होता है कि जब डीसी के कंपोनेंट आते हैं, जब डीसी आती है अपने पास, उस डीसी को क्या है, ये कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है। डीसी को ब्लॉक करने का मतलब है कि जो ये कैपेसिटर है ये डीसी को पास नहीं होने देता है। इस डीसी को पास नहीं होने के कारण ये डीसी सारी क्या है, अपने को लोड पे प्राप्त हो जाती है। इस लोड पे जो अपने को वी आउटपुट मिलती है वो अपने डीसी मिलती है। लेकिन जो अपने एल फिल्टर की बात कर रहे थे, तो एल फिल्टर में क्या होता है, जो इनपुट होती है वो इस टाइप की मिलती है, अपने को साइन वेव देते हैं। इस साइन वेव के कारण जो फुल वेव रेक्टिफायर है ये पल्सेटिंग डीसी देता है, और पल्सेटिंग डीसी देने के कारण जब अपने एल फिल्टर यूज़ करते हैं, तो एल फिल्टर यूज़ करने के बाद जो अपने को आउटपुट मिलेगी वो कुछ इस प्रकार की मिलेगी कि ये इसमें से जो एसी के रिपल्स होते हैं वो लगभग रिमूव हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जब अपने सी फिल्टर का आउटपुट की बात करते हैं, तो सी फिल्टर में भी अपने इनपुट तो साइन वेव ही देते हैं, लेकिन जब फिल्ट्रेशन प्रक्रिया होने के बाद, फिल्टर होने के बाद जब अपने को आउटपुट प्राप्त होती है तो वो लगभग इस टाइप की होती है, क्योंकि अपने को जो रिपल्स हैं वो एल के कंपेरिजन में सी में रिपल्स ज़्यादा रिमूव हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ़िल्टर सर्किट के अंदर जब अपने तीसरे पार्ट की बात करते हैं, तो उस तीसरे पार्ट के अंदर आता है एलसी फिल्टर। इस एलसी फिल्टर को अपने चोक फिल्टर भी बोलते हैं। इस एलसी फिल्टर के अंदर एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। इस एलसी फिल्टर के अंदर जो इंडक्टर होता है वो सीरीज में और कैपेसिटर हमेशा पैरेलल में यूज़ करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो अपनी इनपुट की साइन वेव है, और जो इनपुट की साइन वेव अपने रेक्टिफायर को देते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर को, उस रेक्टिफायर से जो आउटपुट निकलता है उस आउटपुट को और अच्छे से फिल्टर
कर सकते हैं LC फिल्टर के द्वारा, जो अपनी आउटपुट फिल्टर होती है वो लगभग DC के बराबर आ जाती है, कि उसमें जो रिपल्स होते हैं वो बहुत बिल्कुल कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिपल को रिमूव कर सकते हैं उसमें। उसके बाद अपने पास आता है स्टूडेंट्स कि पाई फिल्टर। पाई फिल्टर में क्या होता है कि अपने पास दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर यूज़ करते हैं। यह जो फिल्टर होता है, यह फिल्टर सबसे बढ़िया फिल्टर होता है, क्योंकि इसमें अपने जो रिपल्स होते हैं वो बिल्कुल रिमूव हो जाते हैं और जो अपने पास आउटपुट मिलती है वो अपने DC मिलती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे दिए गए संपर्क नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।